हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसी ज़िंदगी आप सभी लोग चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आप सभी लोगों को मिले। सो मेरे तरफ से आप सभी लोगों के लिए बहुत सारा ब्लेसिंग्स। वेल, यहाँ पे आपका जो आज का टॉपिक है, जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि आपकी ये जो ओवरऑल डेस्टिनी है, जो किस्मत है, वो किस तरीके से आपको बहुत कुछ देने वाला है। तो आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, चाहे वो लाइफ की कोई भी एरियाज हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, किस तरीके से ये आपके लिए लकी साबित हो सकता है, ग्रेट फॉर्चून साबित हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि ईश्वर ने आपके भाग्य में क्या लिखा है और किस तरीके से जो आपके भाग्य में नहीं है उस चीज़ को भी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, पा सकते हैं। क्या रिचुअल रेमेडीज़ गाइडेंस आपको करने चाहिए अभी के टाइम में, या फिर इन फ्यूचर आपको क्या कुछ मिल सकता है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। या फिर पूरी लाइफ के बारे में बात होगी, जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है वो आपका कैसा रहने वाला है, ठीक है। ये सब बातें होंगी। कुछ ऐसे ज़रूरत पड़ेगी गाइडेंस वगैरह की तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाना है, फैमिली मेंबर बन जाना है और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। और किसी भी टॉपिक पर आप अपनी पर्सनली ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो भी आप अपनी पर्सनली ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी में पहुंचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, आप ज़रूर अवेयर रहिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं आपको बता देती हूँ कि रीडिंग टाइमलेस है, क्योंकि ये डेस्टिनी की रीडिंग है और पूरे लाइफ की रीडिंग है, तो कभी भी देख सकते हैं। मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, ठीक है, सभी लोग इस रीडिंग को देखेंगे। साथ साथ फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले, चाहे आपका कोई भी एज ग्रुप है, तो भी आप इस रीडिंग को देखने वाले हैं। और शेयर भी कर दीजिए, इससे क्या होगा कि आपका कर्म अच्छा होगा। वेल, यहाँ पे अब मैं आपको बताऊँगी आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊँगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। तो सबसे पहली बात, अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी से लेकर जून के बीच में आता है तो पाइल वन आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। और आपका ये जो कार्ड है वो है आपका एंजल वॉरियर्स, दिस इज़ फॉर पाइल वन। पाइल टू, अगर आपका बर्थ मंथ जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में आता है आपका बर्थडे, तो पाइल टू आपकी रीडिंग होगी और आपके लिए जो कार्ड है वो है टीम स्पिरिट का कार्ड है, दिस इज़ फॉर पाइल टू। दोनों ही कार्ड के अपने अपने मीनिंग है, ठीक है। अगर आपका दिल करे तो दोनों पाइल देख सकते हैं, अपने लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, किसी और के लिए, साथ साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आप ज़रूर दिल खोल के देखिए। अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, ठीक है। आप इंटुटिवली सेलेक्ट कर लीजिए भगवान ईश्वर जी जैसा लवाही गुरु, जिसे भी आप मानते हैं उनका नाम लेके। उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हे पाइल वन, होप कि आप अपने इस बर्थ मंथ को सेलेक्ट कर किया है। जनवरी से जून के बीच में आपका बर्थडे आता होगा या फिर आपने सेलेक्ट किया है एंजल वॉरियर कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है और आप क्या कुछ हासिल करने वाले हैं, जो आपने सोचा है वो आपको मिलेगा या नहीं, डेस्टिनी में लिखा है या नहीं, और साथ साथ जो आपने नहीं सोचा है, ठीक है, उसके बियॉन्ड जाकर आपको क्या कुछ मिलने वाला है, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, पॉजिटिव हो जाइए, ठीक है। फैमिली मेंबर बन जाइएगा तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट मैसेज मिलेगा। कैसे? क्योंकि जब आप अलाइन होंगे तो उसके साथ साथ आपको अगर पर्सनलिंग चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनलिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, करंट फीलिंग हो, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनलिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फर्स्ट है यहाँ पे आपका कार्ड, देन यहाँ पे सेकंड कार्ड है, ठीक है। दो कार्ड और लेंगे, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन, एंड उसके बाद यहाँ पे है ओके। तो यहाँ पे ओवरऑल आपकी लाइफ की बात होगी, द रेस्ट ऑफ लाइफ की बात होने वाली है। और इस लाइफ में मुझे सबसे पहले ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी, आगे आने वाला टाइम, ठीक है, एक अनकंडीशनल लव जो आपको देने वाला है उस इंसान के साथ बिता सकते हैं। तो मुझे सबसे पहले ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यस, आप डिज़र्व करते हैं एक बहुत ब्यूटीफुल लव, एक अनकंडीशनल लव। ऐसा हो सकता है कि आपने सोचा होगा कि शायद मुझे ये अनकंडीशनल लव कभी नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यू डिज़र्व इट, आप डिज़र्व करते हैं, डेफिनेटली आपको एक अनकंडीशनल लव मिलने वाला है।
सबसे पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ। दूसरा, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आप अपना समय रेस्ट ऑफ द लाइफ किसी बहुत ज़्यादा लाइक वाटर बॉडीज़ हो गया, जैसे ओशियन हो गया, समुद्र हो गया, सी हो गया, रिवर हो गया, लेक हो गया, ठीक है, वैसे जगह पे रहने वाले हो, वैसे जगह पे आपकी हीलिंग हो रही है, वैसे जगह आप हो सकता है सिचुएट हो सकते हो, शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है, ट्रांसफ़र हो सकता है आपका, वैसे जगह पे आप फिक्स हो जाएंगे या सेटल हो सकते हैं, जहाँ पे क्या हो, वाटर बॉडीज़ हो, जैसे ओशन हो गया, सी हो गया, रिवर हो गया, लेक हो गया, वैसे जगह पे आप हो गए। इससे क्या होगा कि सबसे पहली बात, ये बहुत अच्छा आपको मौका मिल रहा है, आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और नेचुरल प्लेस होगा तो आपको अपने ऊपर भी ध्यान देने का मन करेगा, मन करेगा कि चलो खुद टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग करते हैं, ये सब आपका होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपके डेस्टिनी में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपका हेल्थ बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। अगर आपका कोई बाय बर्थ इशू रहा है हेल्थ में, वो हेल्थ प्रॉब्लम जड़ से सॉल्व होने वाला है। देखिए, अचानक से कोई प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है, लेकिन उन लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तकलीफ़ होती है, जिनका बाय बर्थ कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो, वो चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ से निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर ऐसा कोई हेल्थ इश्यू है अगर आपके लाइफ में, ठीक है, चाहे पैर हो, बैक हो, कुछ भी हो, वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पे आप इमोशनली एंड फिज़िकली बहुत ज़्यादा फिट एंड फाइन रहेंगे, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके डेस्टिनी में ये भी लिखा है कि आप अनकंडीशनल लव भी रिसीव करेंगे, साथ साथ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन भी बन सकते हैं, ये भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी आगे आने वाला टाइम और साथ साथ पूरा लाइफ, आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंट्यूटिव रहेंगे, ठीक है, चीज़ें आपको एक्सट्रीमली एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें मिलने वाली हैं, चाहे वो पीस हो, शांति हो, मन की क्लियरिटी हो, मतलब मेंटल क्लियरिटी हो, नॉलेज हो, वो भी एक्सट्रीम नॉलेज होगा, डिवाइन गाइडेंस भी एक्सट्रीम होगा, ये सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे आपके वेल विशर बनेंगे, आपके वर्क के, आपके काम की वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रेज किया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई ऐसा काम जिसमें कि आपको उस काम को करने में मज़ा आ रहा है, उस काम से आपको प्यार है, वैसा कोई काम करोगे। और आगे आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए मसीहा जैसे, मैसेंजर जैसे भी बन सकते हैं, ये चीज़ भी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपकी किस्मत में ये लिखा है कि शायद आगे आने वाले टाइम में, अभी चाहे आपका कैसा भी लाइफ चल रहा हो, आपका लाइफ बहुत ईजली फ्लो करेगा। साथ साथ आप एक योगा इंस्ट्रक्टर, ठीक है, हो सकता है मेडिटेशन बहुत अच्छा आपको आता हो या करोगे, तो ये सब जो है आपके लाइफ का नॉर्मल पार्ट बन जाएगा डे का, ठीक है। आप बहुत अलाइन रहेंगे और बैलेंस रहेंगे अपने लाइफ में। उसके बाद यहाँ पे आप बहुत गुड रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे, ठीक है, आपके थॉट्स एकदम क्लीन रहेंगे, आपके अंदर लविंग वाइब्रेशन रहेगा, ठीक है, ये सब होगा। अनकंडीशनल लव का मैसेज तो बहुत बार है, तो यहाँ पे आप खुद भी किसी ऐसे इंसान को अनकंडीशनल लव करेंगे जो कि आपको अनकंडीशनल लव, ठीक है, इनलेस लव करेगा, ऐसा यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है कि आप आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि ओवरसीज़ भी ट्रैवल करेंगे, मैंने आपको बताया, और हो सकता है कि ओवरसीज़ ट्रैवल करके आप वहीं रह जाएं, ठीक है, आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपको कभी भी पेरेंट्स की कमी महसूस नहीं होगी, पेरेंट्स का जो प्यार होता है, हो सकता है आपकी शादी हो जाए, फिर उसके बाद सोचोगे कि इन लॉज पता नहीं कैसे होंगे, ठीक है, मेरे पार्टनर ही पता नहीं कैसे होंगे, क्या वो मेरा एक बच्चे जैसा ख्याल रखेंगे या नहीं। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसा पार्टनर मिले, प्यार तो करे लेकिन साथ साथ वो गार्जियन जैसा भी हो, तो वो वाला प्यार आपको मिल सकता है। एक परफेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है आगे आने वाले आपके लव लाइफ में या फिर मैरिड लाइफ में, आपकी शादी होती हो तो, ये चीज़ है। वैसे मैंने डिटेल रीडिंग भी बनाया है कि आपके आइडियल पार्टनर कौन होंगे, परफेक्ट पार्टनर कौन होंगे, चाहे तो जाके आप उस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर आपके बेबीज़ भी काफ़ी सारे हो सकते हैं और फर्टिलिटी में भी कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ लोगों का अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जितना हो सके उतना ज़्यादा लॉर्ड कृष्णा की तरफ अपना डिवोशन दिखा सकते हैं, ठीक है, जितना हो सके उतना उनके तरफ क्लोज हो सकते हैं,
उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में तरक्की होगी। तो ये जो है आपके लिए एक रेमेडी भी है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपका ये जो लाइफ है, इस लाइफ में जो लॉर्ड शिवा है, गॉडेस पार्वती है, इनकी दया, इनका ग्रेस, ठीक है, आपके ऊपर हमेशा ही बना हुआ रहेगा। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अभी बहुत आलस कर रहे हैं, बहुत लेज़ी हो गए हैं, ठीक है, चीज़ों को टाल रहे हैं, और आप सोचते हैं कि मेरे अंदर ही क्यों ऐसा आलसपन है, ये क्यों नहीं ख़त्म हो रहा, तो आगे आने वाले टाइम में आप ऐसे नहीं रहेंगे। आपके जो भी रुके हुए काम है वो भी पूरे होंगे, आपका आलस खुद का अंदर का ख़त्म होगा, आप अपनी ड्यूटी को कैरी करोगे, वर्क करोगे, मेहनत करोगे, और आपकी मेहनत का आपको रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर, अभी अगर आप बहुत अवेयर नहीं हैं, अभी आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, तो इतना आप जान लीजिए, चाहे आप कैसे भी हो, अभी आगे आने वाले टाइम में बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लाइफ में क्या होगा, तो आपको, अगर आप चाहते हैं कि मुझे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पावर मिले, प्रेस्टीज मिले, लोग मुझे जाने, फेस से भी जाने और मेरे नाम से भी जाने, तो मुझे यहाँ पे यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपको पावर भी मिलेगा, प्रेस्टीज, इज्जत, ठीक है। एक ऐसा होता है ना कि लोग डर के आपके पावर को देखकर इज्जत कर रहे हैं, और कुछ लोग काम को देखकर इज्जत कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ों को देखकर इज्जत करेंगे। एक तो आपका काम हो गया, वर्क हो गया, आपका नेचर हो गया, कंपैशनेट नेचर हो गया, काइंड नेचर हो गया, उसको देखकर भी जो है लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और आपको जो पावर मिला है उसको देखकर भी लोग आपसे बहुत ही ज़्यादा, हो सकता है, डरे भी और रिस्पेक्ट भी करें, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लॉ के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट इस फील्ड से मिल सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर या मिनिस्ट्रियल फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है, एडवाइसर, एडवाइसरी, या फिर मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज़ आप जो है उठा सकते हैं, या फिर आप एक प्रोफेसर, टीचर, ट्यूटर, स्पिरिचुअल मास्टर, वेलनेस कोच, ठीक है, या फिर आप लाइफ कोच इस तरीके से बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं, साथ साथ यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडियन भी कुछ लोग बन सकते हैं। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर आपको बहुत आगे लेकर जाएगा, लोगों को हंसाना, लोगों को खुश रखना, ये आपका सोल पर्पस है, ठीक है। यूनिवर्सल लव आपको मिलेगा, जैसे कि कुछ ऐसे लोग जो कि स्ट्रेंजर है, ठीक है, जिसकी जो इच्छाएँ हैं या फिर सोच है आपको लेकर गलत है, वो सोच भी बदल जाएगी, ठीक है, वो लोग भी आपके वेलविशर बन जाएंगे, वो लोग भी आपसे प्यार करने लगेंगे। आप इन फ्यूचर, आपके पास इतने सारे प्रॉपर्टीज़, पैसे होंगे कि आप लोगों को क्या करोगे, हेल्प करोगे, सपोर्ट करोगे, आप चैरिटी भी करेंगे। और यस, ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है आपके डेस्टिनी में कि अगर आप सिर्फ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, ठीक है, शादी नहीं करना चाहते, या फिर शादी हो चुका है लेकिन किसी के साथ सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो आपका जो लव लाइफ दिखाई दे रहा है वो बहुत सक्सेसफुल होगा। अब जो भी आप अपने अकॉर्डिंग चाह रहे हैं लव लाइफ में, उसमें आप सक्सेस हासिल करेंगे। साथ साथ आपका केयरफ्री टाइम होगा, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट, केयरफ्री एटीट्यूड भी हो सकता है आपका अगर टुवर्ड्स लाइफ को लेकर, तो केयरफ्री एटीट्यूड कहने का मतलब है कि लापरवाह, ठीक है, तो केयरफ्री एटीट्यूड जो है आपका वो ख़त्म हो जाएगा, और आप इन फ्यूचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर क्लियर है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आप मन में कुछ क्वेश्चन सोचिए। पहला क्वेश्चन सोचिए अपने डेस्टिनी से रिलेटेड। आप ऐसा सोच सकते हैं कि क्या वो मेरी किस्मत में लिखी है, क्या ये चीज़ मेरी किस्मत में लिखा है, वो चीज़ लिखा है, जो भी मन में है, पहला क्वेश्चन आप सोच लीजिए अपने मन में, उसका आंसर मैं इस बुक से देने वाली हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, डू इट अर्ली, ठीक है। आपने अभी अपने मन में सोचा होगा कि मेरी किस्मत में शादी लिखा है या नहीं, तो आपके किस्मत में शादी लिखा है, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आप जितना जल्दी हो सके शादी कर सकते हैं क्योंकि मैरिजेबल आप हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये भी है कि क्या मुझे वो इंसान मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको इनिशिएटिव, आपको कदम उठाना पड़ेगा, पहल करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी अपने डेस्टिनी से रिलेटेड सोच सकते हैं मन में, एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ओके। सेटिंग प्रायरिटीज विल बी अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आप यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत लाइटली किसी चीज़ को लेकर चल रहे हैं, जिस जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप मन मन में क्वेश्चन पूछ भी लिए तो बहुत लाइटली पूछे हैं। तो अपने लाइफ में थोड़ा सा आपको प्रायरिटीज सेट करके, प्लानिंग करके चलने की ज़रूरत है। आपकी डेस्टिनी बहुत खूबसूरत है, आपकी डेस्टिनी आपको बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन ये कह रही है कि पहले आप प्रायरिटीज सेट कीजिए, अपने लाइफ को एक रूटीन में लेकर आइए, ये चीज़ है।
अब तीसरा क्वेश्चन भी मन में सोच लीजिए, उसका भी आंसर मैं आपको दे देती हूँ अपने डेस्टिनी से रिलेटेड। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए, एंड इसका आंसर है रीप्रायोराइज वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट। बार बार ये कहा जा रहा है कि लाइफ में थोड़े से बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो भी उठ के चला है आपकी लाइफ में आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसको अपने लाइफ का पार्ट बना लें, नहीं। आपको ये कहा जा रहा है कि पहले अपने फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, बुरे लोगों से बचा के रखना है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी में आपको टाइम देना है, उसी पर आपको वर्क करना है। फालतू अपना समय, अभी का स्पेशली टाइम, आपको किसी के ऊपर बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, आपके डेस्टिनी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है, ठीक है। कोई बहुत ही सिंसियर टाइप पर्सन और बहुत ही अच्छा मॉडर्न टाइप पर्सन आपके लाइफ में आएगा, ठीक है, जो आपसे शादी करेगा, ठीक है। बहुत ट्रेडिशनल वे में लविंग रिलेशनशिप होगा, ठीक है। और लविंग रिलेशनशिप के बाद वो आपसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने के बाद वो आपसे शादी भी करेंगे। इसलिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी डेस्टिनी में लिखा है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि एक बहुत जेनरस एंड फेयर लव, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इक्वालिटी होगी, सोच में इक्वालिटी होगी, प्यार में इक्वालिटी होगी, ठीक है, समझदारी में इक्वालिटी होगी, उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इक्वालिटी होगी। देखिए, आपके जो करंट पर्सन हैं वो आपसे शादी कर सकते हैं और करेंगे ही करेंगे, ठीक है, लेकिन पहले आप दोनों के बीच में अच्छा खासा ग्रोथ होगा, बहुत ही आपका एडवेंचरस लाइफ होगा। उसके साथ साथ कैसा होगा लाइफ, डेस्टिनी में क्या कुछ देखने को मिलेगा मेरे व्यूअर्स को, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, आपके डेस्टिनी में हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में कार्मिक आएंगे, क्योंकि हो सकता है अभी कार्मिक जो आपका अकाउंट है, ठीक है, अभी भी भरा हुआ है, तो उसको कंप्लीट करना बाकी है। 16 डेज के अंदर या 16 मंथ के अंदर आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है टावर सिचुएशन आए, जिसमें आप थोड़ा सा दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, किसी पर्सन का ट्रुथ रिवेल होते हुए दिखाई दे रहा है, किसी के साथ बहुत लंबे समय से रिलेशन में रहे हो, उसकी सच्चाई सामने आते हुए दिखाई दे रही है। ब्रेकअप जैसी चीज़ों से आप गुजर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको और स्ट्रांग बनाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एनर्जी को। और देखते हैं कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है। सो डेस्टिनी में लिखा है 10 ऑफ कप्स, मतलब कि किसी भी चीज़ को लेकर घबराइए मत, क्योंकि आपका जो मैरिड फैमिली लाइफ होगा या फैमिली लाइफ ही देख सकते हो, तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे पार्टनर होंगे, बच्चे भी होंगे, बेबीज भी होंगे, तब भी वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। ओके, सो होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया है, ठीक है। मैं कुछ और भी कार्ड्स आपको लेकर बता देती हूँ, छोटे छोटे कार्ड्स ले लेती हूँ जो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें। आप लोग पर्सनली के लिए ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिलेगा, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल लिंक बुक कर सकते हैं। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, करंट फीलिंग हो, कुछ भी। सबसे पहले आपके डेस्टिनी में ये लिखा है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ आप हमेशा नहीं रहेंगे, आपके रेसिडेंस में चेंजेस होगा, आपके जो पार्टनर है वो पार्टनर नहीं रहेंगे। हो सकता है उसी पर्सन के बारे में कुछ त्रुटि आपको पता चल जाए, ठीक है, उस पर्सन को आप छोड़कर जो है आगे बढ़ेंगे और नए पार्टनर आपके लाइफ में आ सकते हैं, या फिर जो करंट पर्सन है उसी पर्सन के नेचर में बदलाव हो सकता है, करियर में चेंजेस होगा, जॉब में प्रमोशन होगा, ये सब है। और आपके लाइफ में अभी ज़रूरत भी है एक चेंजेस की, ठीक है, वो चेंजेस ही आपके लाइफ में हो रहा है जो ज़रूरत है। और उसके साथ साथ जो रेस्टलेस बेचैनी की एनर्जी है वो नहीं रहेगी, ठीक है। देन यहाँ पे आपका है डिसअपॉइंटमेंट। तो मैंने आपको बताया कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिसके लिए आप कितना भी कुछ कर लो तो उनके वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन आपका लाइफ मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, लक की एनर्जी, आपका किस्मत, आपका बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में आपकी डेस्टिनी, आपका किस्मत जो है वो बहुत ज़्यादा साथ देगा। अचानक से ही आपकी जो किस्मत है वो बदलते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। सो होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। पाइल वन, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए, फ्यूचर के ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे कमेंट में लिखकर क्लेम कर सकते हैं, आई एम एक्सट्रीमली इंट्यूटिव, आई एम लव, अनकंडीशनल लव इज़ माई टूडे एंड ऑलवेज, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, और हाँ, ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा पर्सनली के लिए, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी कर सकते हैं, ठीक है। जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो चलते हुए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।
हे पाइल टू, होप कि आप अपने इस बर्थ मंथ को सेलेक्ट करके आया है या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल टीम स्पिरिट कार्ड को. सो देखते हैं कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है जो कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है. और हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा आपको बहुत कुछ मिले, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ. कुछ रिचुअल्स, कुछ गाइडेंस होंगे तो वो सब भी मैं आपको बता दूंगी. तो सबसे पहले आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए ताकि जो भी मैसेजेस मैं लूँ वो सब आपसे मैच भी करे और आपके लिए ही हो फ्यूचर के लिए, ठीक है. तो यहाँ पे लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा. किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, ठीक है, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, करंट फीलिंग हो, और दुनिया के किसी भी कोने में तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं. कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, आराम से कर सकते हैं. लेकिन हाँ, मैं नंबर नहीं देती हूँ, उस बात का ध्यान रखिएगा. लेकिन फिर भी आप आएंगे तो आप आराम से ईजिली अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक कर पाएंगे, ठीक है. ऑलराइट, सो यहाँ पे मैंने कुछ कार्ड्स लिए आप सभी के लिए एंड बॉटम ऑफ द डेक से शुरू करेंगे. सो यहाँ पे एक कार्ड और ले लेते हैं, बॉटम ऑफ द डेक. ऑलराइट, ओके. सबसे पहले यहाँ पे जो आपका पहला कार्ड है वो ये है. मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पास्ट का पर्सन, ठीक है, कोई पास्ट का या चाइल्डहुड का कोई पर्सन, ऐसा हो सकता है कि अभी तक वो नहीं आए हैं लेकिन आने वाले हैं. हो सकता है उनके साथ आप कॉलेज स्कूल में रहे हो, कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे हो. मैं उनके बारे में नहीं बात कर रही जो कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहे होंगे, पास्ट वाले एक्स वो आएंगे, ऐसा नहीं है. जो पास्ट में आपके दोस्त रहे हैं जिसके साथ आपकी बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज रही है, चाइल्डहुड फ्रेंड, ठीक है, या रिलेटिव के थ्रू कोई हो सकता है फ्रेंड वगैरह रहे हो, तो वो इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं. तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका पास्ट से ही कोई न्यू पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, न्यू पर्सन बन के आ रहा है, ठीक है. और वो इंसान के साथ आपका एक बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू होते हुए दिखाई पड़ रहा है. ये चीज़ क्लियर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, सिक्स ऑफ वाटर की, मतलब सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है. आपने, हो सकता है कि आपने सारी उम्मीद छोड़ दिए हो, जैसे कि कोई मुझे प्यार करेगा या नहीं, कोई मुझे पसंद करेगा या नहीं. तो ये जो उम्मीद है ये फिर से उम्मीद जगने वाली है क्योंकि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है. दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने लाइफ में बहुत कुछ सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, तो ये चीज़ आप जान लीजिए कि आपको अपने घर में कोई भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करनी चाहिए. दूसरा पॉइंट यहाँ पे, द पास्ट कमिंग बैक, जो पास्ट में आपका टाइम रहा वो वापस आते हुए दिखाई दे रहा है. लेकिन अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ों की बात नहीं हो रही है. पास्ट में बहुत रोमांटिक कनेक्शन रहा हो किसी के साथ, पास्ट से आप किसी इंसान को चाह रहे हैं कि काश वो आ जाते, काश वो एक बार बात कर लेते, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते, तो वो चीज़ यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है. उसके बाद चाइल्डहुड मेमोरीज़ आपको याद आ सकती है, ठीक है. देन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब कोई पास्ट का पर्सन आकर आपकी लाइफ को चेंज कर दे, आपके डेस्टिनी में थोड़ा सा बदल करे, ठीक है, फेरबदल करे, लेकिन अच्छी चीज़ों का ही हो, पॉजिटिव वे में ही हो, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए, पास्ट के पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ चांसेस है. ऐसा हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में आकर आपसे सेकेंड चांस मांगे, ठीक है. तो यहाँ पे एक्स फ्लेम, मतलब ट्विन फ्लेम हो गए, ठीक है, उनका मुझे रिटर्न होते हुए, वापस से आते हुए, कमिंग बैक वाली एनर्जी दिखाई दे रही है. कोई ओल्ड रिलेशनशिप का ना, कोई जॉब पास्ट में करते हो उसी जॉब को फिर से करना, ठीक है, अपने करियर को नर्चर करना, टीचिंग लाइन हो गया, नर्सिंग लाइन हो गया, हीलिंग लाइन हो गया, आपके लिए अच्छा है, इसमें आप जा सकते हैं, ठीक है. आपका सिबलिंग्स और फैमिली के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, बहुत अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है. आपकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल रहेगी, बहुत सेफ रहेगी, बहुत स्टेबल रहेगी, और इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, बहुत ज़्यादा पैशन और एक्साइटमेंट आपके लाइफ में रहेगा, और एक ऐसा रिलेशन भी रहेगा आपके लाइफ में जो कि बहुत नर्चरिंग रिलेशनशिप रहेगा. वो इंसान आपको जितना भी समय देंगे आपका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखेंगे, ठीक है. ये चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं जिस रिश्ते का बहुत ग्रोथ नहीं होगा. आप उस पर्सन के साथ, हो सकता है, हमेशा नहीं रहोगे, लेकिन जब तक वो रहेंगे वो आपके लाइफ को बहुत कुछ अच्छा आगे लेकर जाएंगे, अपग्रेड कराएंगे, अपलिफ्ट करेंगे आपको, और बहुत कुछ देकर जाएंगे. मतलब आगे आने वाले टाइम में अगर आप ये चाहते थे कि मुझे कोई ऐसा रिश्ता मिले जो कि बहुत ज़्यादा मुझे पैम्पर करे, बहुत सारे गिफ्ट्स दे, मुझे अच्छा फील कराए, तो कोई ऐसा दोस्त आपका बन सकता है जो कि हमेशा दोस्त नहीं रहेगा. लेकिन रिलेशनशिप की बात की जाए तो रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग होगा, ठीक है. अब दूसरी बात यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप कैसे इंसान बनोगे,
सबसे पहली बात यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप एक अलग इंसान बन के बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये कैसी एनर्जी है? तो सबसे पहले आपका जोडिक साइन जो है, हो सकता है कि एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा हो, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो, या फिर एरिस लियो सजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। आप जो है एक बहुत ज़्यादा डायनामिक पर्सन मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप किसी से डरने वाले नहीं हैं, आपके अंदर की जो भी फियर्स है वो ख़त्म होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनेंगे, आप एक क्रिएटिव पर्सन बनेंगे, ठीक है। लव लाइफ के मामले में थोड़ा सा शाई हो सकते हैं, लेकिन जितने भी और भी मामले हैं उन सारे मामलों में आप बहुत ही ज़्यादा आउट गोइंग रहेंगे, असर्टिव रहेंगे, ठीक है। बहुत करेजियस, बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, ठीक है। आपके लाइफ का जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वो आगे आने वाले 6 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगा। देन यहाँ पे एक नया ट्रिप लेकर एक नई शुरुआत करेंगे आप, एक नई जगह पे जाकर एक शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। और कहीं आपका जाना, कहीं आपका जाके घूम फिर के आना आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अगर आप कोई बहुत बड़े स्ट्रगल से या कोई बहुत बड़े हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं और चाहते हैं कि कैसे उस चीज़ में हीलिंग होगी, कैसे सब कुछ ठीक होगा, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि एक बार कहीं बाहर ब्यूटीफुल प्लेस से घूम कर चले आओ, तुम्हारे सारे जो क्योटिक सिचुएशन है सब खत्म हो जाएंगे। वैसे यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा हॉट टेम्पर्ड हो सकते हैं, फॉरगेटफुल एनर्जी हो सकती है। बहुत सेक्सी, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत फनी, बहुत पैशनेट पर्सन मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से आप कन्वर्ट हो रहे हैं, अपने आप को कर रहे हैं। आपकी लाइफ बहुत ऑर्गेनाइज्ड होगी, आप बहुत सारे काम एक बार में करेंगे, फुल ऑफ एनर्जी आपके अंदर होगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका लाइक सेक्सुअल कनेक्शन, सेंसुअल कनेक्शन भी एक इंसान के साथ बहुत स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा। आगे आने वाले टाइम में आपके लाइफ में अबंडेंस भी होगा और अबंडेंस ऑफ एनर्जी होगी। एक ब्रिलियंट मल्टीटास्कर पर्सन आप बन जाएंगे। निगेटिव चीज़ों में आप, हो सकता है कि चीज़ों को भूलेंगे या फिर थोड़ा गुस्साल हो सकते हैं, ये चीज़ है, तो उस पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। इसलिए तो टैरो रीडिंग होता है ताकि आपको पहले से ही गाइड कर दिया जाए, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस होगा, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी लव्ड, वेरी एक्साइटेड पर्सन आप बनोगे, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके अंदर क्या क्या होगा लाइफ में। एक राइट बैलेंस होगा, यू हैव द राइट बैलेंस, या फिर आपके लाइफ में राइट बैलेंस इंडिपेंडेंस का होगा, फन का होगा, और लुक्स का भी होगा, सेक्सीनेस का भी होगा। तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो कि आप कितने ज़्यादा हॉट एंड ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव लग रहे हो, ठीक है, ये चीज़ भी है। देन यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, वाओ, 10 ऑफ अर्थ की एनर्जी है, अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ। ऐसा हो सकता है कि आपका किसी न किसी कारण की वजह से डिवोर्स हुआ, आपको अपने लाइफ में ना चाह के भी जो है अपने रिश्ते से अलग होना पड़ा। अब आप चाहते हो कि कोई ऐसा इंसान आए जो कि आपको समेट ले, आपको बहुत पैम्पर करे, बहुत ख्याल रखे, तो एक वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ आप डिज़र्व करते हैं। और इन फ्यूचर आपके डेस्टिनी में लिखा है कि आपको अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ ज़रूर मिलेगा, ठीक है। बहुत मैजिकल होगा आपका लाइफ, छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे उनके गिफ्ट में भी आपको मैजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छा फील कर पाओगे। छोटी छोटी चीज़ें आपको खुशियाँ देंगी ही देंगी। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है कि आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होगा, जो कि बहुत कंपैशनेट, बहुत रिस्पेक्टेड, बहुत कल्चर्ड पर्सन होगा। वैसे पर्सन से इन फ्यूचर आपकी शादी भी हो जाए, वैसे इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में भी आ जाए। ये सब बातें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपका लाइफ कैसा होगा, वो भी मैं और भी डिटेल में आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे कार्ड है कि आपके कुछ दुश्मन हो सकते हैं, कुछ एनिमीज़ हो सकते हैं, उनका आपको डट के सामना करना होगा, ठीक है। मेंटली स्ट्रांग रहना होगा, ऑब्स्टिकल्स आएंगे लेकिन उससे आप ओवरकम करेंगे और हर एक वे में आपको विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। स्ट्रेंथ होगा और साथ साथ इस स्ट्रेंथ को देने के लिए एक स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर आपके साथ होगा। ये स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर हो सकता है अभी आपके लाइफ में ना हो, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये स्पिरिचुअली पावरफुल पार्टनर के साथ आपकी यूनियन होगी। ये पर्सन आपके साथ हमेशा रहेंगे, प्यार करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, शादी करेंगे आपसे, ये वाली वाइब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है गंगा की। तो ऐसा हो सकता है कि आपने भी अपने पास्ट के टाइम में, इसी जन्म के पास्ट के टाइम में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, बहुत सारे सिन पाप जिसे कह सकते हैं रहे हैं, जिसका आपको अभी तक बहुत अफसोस है। तो उस पाप से, उस सिन से आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी फैमिली ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो, उस गलती से आप लोग प्योरीफाई हो रहे हैं, ठीक है, फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और जो भी आपका वर्ल्ड में इस धरती पर रह के डिज़ायर है, सपने हैं, वो सारे सपने पूरे होंगे। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं होगा। कोई भी फिज़िकल डिजीज़ है, कोई भी पेन है, ठीक है, कोई भी फिज़िकल डिजीज़, तो उस फिज़िकल डिजीज़ से भी आप फ्री हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रिवर गंगा का एनर्जी दिखाई दे रहा है, तो आप रिवर गंगा जो है उनका वाटर जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें आपकी हीलिंग होगी। कैसे? जैसे उस वाटर का यूज़ करना अपने घर में, घर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए या फिर प्योरीफाई करने के लिए। ठीक है, एनर्जी को प्योरीफाई करने के लिए। देन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे जगह पे शिफ्ट कर जाएंगे जहाँ पे ग्रीनी, बिल्कुल ग्रीनी माहौल होगा, एनवायरमेंट एकदम पेड़ पौधे से भरा हुआ होगा। ठीक है, ऐसे जगह पे आप रहोगे। देन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, डर्ट है या फियर है, उस चीज़ से आप फ्री हो जाओगे। और ये फ्रीडम आपको आगे आने वाले 10 दिनों के अंदर मिल सकता है। कोई ना कोई गलतियाँ आपसे हुई हैं, मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, वो गलती से आप फ्री हो जाओगे। ठीक है, एंड यहाँ पे गणेश जी का कार्ड है, तो गणेश जी आपके साथ है, जो कि आपके सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव करेंगे, हर एक पाथ पे वो आपके साथ होंगे। आपके डेस्टिनी में ये लिखा है कि आपको बहुत सारा पीस एंड प्रॉस्पेरिटी मिलेगा। आपके डेस्टिनी में ये भी लिखा है कि आप जो भी चीज़ें चाहेंगे, जैसे आपको सक्सेसफुल होना है, आपको जॉब करना है, उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। फिजिकल एंड मेंटल पावर आपके पास होगा, जिससे कि आप कोई बिजनेस की शुरुआत भी करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस एंड ग्रोथ देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद मैं और भी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हो, आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स से डायरेक्टली मैसेज लेते हैं कि आखिर आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जेन्युइन लिंक मिलेगा इंस्टा आईडी का। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी रीडिंग आप ले सकते हैं। सबसे पहले है कि श्योर सक्सेस इन इंटरव्यू। इन फ्यूचर अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें आपका सक्सेस होगा। निगेटिविटी जो भी है वो किसी के द्वारा की गई हो, ठीक है, या फिर आपके मन में ही आपके द्वारा ही की गई हो, वो निगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बेटर टाइम्स, बहुत ज़्यादा बेटर टाइम आपको मिलने वाला है। ठीक है, देन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको अचीवमेंट तो मिलेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है वो अचीवमेंट तो हासिल कर लोगे लेकिन फैमिली से थोड़ा सा दूर होना पड़ सकता है अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, एक फाइनल टच देने के लिए, जैसे कि आपको जॉब मिल गया तो जॉब करना है ना, तो जॉब करना है तो बाहर जाओगे, ये चीज़ है। चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहेंगे तो कुछ चीज़ों को भूलना होगा और लेट गो करना होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि आपके एनिमीज़ बन सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो भी इंटरव्यू होगा वो बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देगा, जो भी डिफ़िकल्टीज़ होंगे वो ख़त्म होंगे, विजडम आ रहा है और बहुत सारा ऑस्पिशियस टाइम आ रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि मदर फिगर, जो मदर फिगर है, जिन्हें भी आप मानते हो, काली माँ हो गई, दुर्गा माँ हो गई, उनके तरफ से आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स हमेशा मिलेंगे, उनको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, जब भी प्रेयर करें, और उसके साथ साथ आप काऊ को सर्व करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, इससे आपकी किस्मत और भी चमकेगी। सर्व काउस फॉर गुड फॉर्च्यून। मिस्टिकल पावर भी आपके अंदर है, वो हिडन पावर डेवलप होगा धीरे धीरे समय के साथ। अथॉरिटी पावर आपको मिलेगा, करियर एडवांसमेंट होगा, न्यू फ्रेंडशिप होगी, न्यू रिलेशनशिप होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और आपके अंदर जो भी होप है, जो भी उम्मीदें हैं, ठीक है, जो भी उम्मीदें हैं, उन सारे उम्मीदें जो है ना ख़त्म नहीं होने वाली, वो सारी उम्मीदें जो है आपको कुछ ना कुछ फुलफुल रिजल्ट देंगी ही देंगी। ठीक है, ये चीज़ यूनिवर्स आपको यहाँ पे कहना चाहते हैं। वेल, टी लीफ कार्ड के थ्रू देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपके दोस्त कुछ हो सकते हैं, कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, तो ये चीज़ है, कोई दो क्लोज फ्रेंड से ही आपकी शादी हो सकती है, उनके साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ठीक है, तो जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा अपना। उसके बाद है रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी। ये आपके डेस्टिनी में लिखा है कि आपको बहुत सारा रोमांस मिलेगा, बहुत सारा सेलिब्रेशन होगा, पार्टी होगा। उसके बाद यहाँ पे फिर भी कुछ फ्रेंड्स और लवर के बीच में आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकता है, वो आपके अगेंस्ट जाएंगे तो डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपके लिए एनर्जी है यहाँ पे मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम। इन फ्यूचर आपकी लाइफ में कुछ और भी मेजर चैलेंजेस आएंगे जिससे आप ओवरकम कर जाएंगे। फोर कार्ड्स यहाँ पे और देखेंगे, एंड फोर कार्ड में है यहाँ पे सबसे पहले हैप्पीनेस। जब आप
अपने चैलेंजेस से ओवरकम करेंगे तो आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगा। न्यू जॉब और न्यू करियर आपकी किस्मत में लिखा है। अगर आप किसी जॉब में हैं और आपको ऐसा लगता है कि बस यही जॉब में मैं फंसा रह जाऊँगा, ये क्या, या फिर कोई नया जॉब मिलेगा या नहीं, तो मिलेगा, प्रमोशन भी हो सकता है और मैरिज, आपकी शादी भी होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी, आपकी शादी होगी, ज़रूर होगी और बहुत रोमांटिक वे में होगी। मैरिज विल टेक प्लेस, 2 बार यहाँ पे मैरिज आ चुका है, बहुत रोमांटिक शादी होगा आपका। और जब आप एक बार सक्सेसफुल हो जाएंगे, उसके बाद आपका शादी भी होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए, मन में कुछ क्वेश्चन सोचिएगा अपने डेस्टिनी से रिलेटेड, कि आपकी डेस्टिनी में वो चीज़ है या नहीं, उसके लिए आंसर यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ। उन सारे क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन आप सोच सकते हैं अपने डेस्टिनी से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है पाइल 2 के लिए, दिस इज़ अ गुड टाइम टू मेक अ न्यू प्लान। न्यू प्लानिंग कीजिए अपने लाइफ में, जो भी आपने क्वेश्चन सोचा है उससे रिलेटेड आपको कुछ न्यू प्लानिंग करना चाहिए, ठीक है। जैसे अपने स्ट्रैटेजी को ठीक कर लेना चाहिए, आप उस चीज़ को हासिल कर लेंगे। ऐसा आपके मन में होगा कि क्या मैं उसे पा पाऊँगी या नहीं, क्या मुझे वो चीज़ मिल पाएगा या नहीं। ज़रूर मिलेगा, लेकिन अच्छे प्लान के साथ। सेकेंड क्वेश्चन सोचिए, एंड सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है आस्क योर फादर। इस क्वेश्चन का आंसर आपके फादर एकदम एक्यूरेट देंगे, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यूनिवर्स क्यों नहीं दिए मैसेज। यूनिवर्स इसलिए नहीं दिए क्योंकि जब आप फादर से पूछेंगे तो फादर पे आपका भरोसा, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका भरोसा आपके ऊपर, दोनों एक दूसरे के बीच में जो बाउंडिंग बनी है वो इंक्रीज़ होगी, वो स्ट्रांग होगा। ये जो सेकेंड क्वेश्चन आपने पूछा है, जब अपने फादर से पूछोगे वो जवाब देंगे, उसके बाद आप दोनों की बाउंडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके फादर और आपके बीच में बाउंडिंग बहुत स्ट्रांग हो जाए, इसीलिए तो चाहते हैं कि आप अपने फादर से बात करें। और उस क्वेश्चन का आंसर भी उनके पास ही एक्यूरेट है, इस दुनिया में एक्यूरेट आंसर उनके पास है, उनसे आप पूछिए। थर्ड क्वेश्चन आप सोचिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है पाइल 2 आपके लिए, दिस वन, देयर विल बी ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम। 2 बार यहाँ पे मैसेज आ चुका है, दिस वन, अभी भी कुछ चैलेंजेस है जिसे आप ओवरकम करेंगे और आप एकदम माउंटेन की तरह स्ट्रांग बन जाएंगे, कोई भी हिला नहीं सकता आपको। देखिए यहाँ पे भी है, देयर विल बी ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, मतलब इन फ्यूचर अभी भी थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, ऐसा नहीं है, लाइफ है तो ऑब्स्टिकल्स तो होगा ही होगा, कुछ छोटे हो सकते हैं, कुछ बड़े हो सकते हैं। तो आपके जो ऑब्स्टिकल्स हैं, ये बड़े हो या छोटे हो, जो भी हो, ये आपको बहुत स्ट्रांग बनाएंगे, जैसे कि माउंटेन, ठीक है। तो जो रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा। वेल, यहाँ पे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी, लेकिन उसके पहले क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, फैमिली मेंबर बनना है, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी अपनी रीडिंग ले सकते हैं। आपको अपने लाइफ को एट एनी कॉस्ट प्लान करना होगा। प्लान करेंगे आपका सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट होगा और फाइनेंशियल गेन तो बहुत ही ज़्यादा होगा। इन फ्यूचर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, जहाँ जहाँ घूमना चाहते हैं वहाँ वहाँ घूमेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रिलेशनशिप होगा, चाहे सिंगल हो या मिंगल हो, आपका करियर एडवांसमेंट भी होगा। एंड लास्ट वन है यहाँ पे आपका कि ओके, दिस वन, अ ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी होने वाला है, ठीक है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, एक नए जगह पे जाना, ठीक है, जितने भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, उनका ख़त्म होना। एंड एक लास्ट यहाँ पे और देखते हैं, वो है आपका ओके, अपने आप को थोड़ा सा और टैलेंटेड बनाइए, अपने न्यू स्किल पे ध्यान दीजिए, न्यू स्किल सीखिए, करियर पे ध्यान दीजिए, मनी इन्वेस्टमेंट सीखिए, ये सब आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगा, ठीक है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया पाइल 2। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए, इन फ्यूचर आपको इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग हमेशा मिलते रहे इसीलिए। ओके, सो चलते, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।